नमस्कार, आज देखेंगे हम प्रैक्टिस सेट 3.2 में क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, 11 टर्म एंड द 21 फर्स्ट टर्म ऑफ एन APR 16 एंड 29 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द 41 फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP। क्वेश्चन में हमें 11 टर्म की वैल्यू दी है 16 एंड 21 फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी है 29। वो हम राइट करेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी द कॉमन डिफरेंस। सो राइट द फर्स्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस वन डी, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें हम वैल्यू एंटर करेंगे, देयरफॉर टी एन हमारा फर्स्ट कितना है 11, इसलिए यहाँ पे एन राइट, इसलिए यहाँ पे 11 राइट करेंगे, इज इक्वल टू ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है 11 माइनस वन डी। देयरफॉर टर्म 11 की वैल्यू कितनी दी है हमें 16, यहाँ पे ओ वैल्यू राइट करेंगे, इज इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस वन 10 डी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एंड हम टी 21 फर्स्ट का भी ऐसे ही राइट करेंगे, टी 21 इज इक्वल टू ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है 21 माइनस वन डी। 21 फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी दी है हमें 29 इज इक्वल टू ए प्लस 21 माइनस वन 20 डी। ए हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समझ में आ गया? अब हम सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है? 29 इज इक्वल टू ए प्लस 20 डी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। और फर्स्ट कौन सा है? 16 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी, ये इक्वेशन 1 है हमारा। हम इसका अब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, माइनस प्लस माइनस। अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 डी। ए प्लस है, ए माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। 29 माइनस 16 इज इक्वल टू 13, यानी देयरफॉर डी इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 10। देयरफॉर अगर हम 13 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.3। हमारा डी कितना आ गया 1.3, डी यानी डिफरेंस। अब हम सब्स्टिट्यूटिंग डी इज इक्वल टू 1.3 इन इक्वेशन 1। अब हम सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू 1.3 इन इक्वेशन 1 करेंगे। हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 16 इज इक्वल टू a प्लस 10 डी। इसमें हम वैल्यू एंटर करेंगे, 16 इज इक्वल टू a प्लस 10 मल्टीपल d की वैल्यू कितनी है 1.3। देयरफॉर 16 इज इक्वल टू a प्लस 13। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए a इज इक्वल टू 16 माइनस 13 कितना आ गया 3, यानी हमारा a कितना आ गया 3। अब हमें डिफरेंस भी मिल गया, a भी मिल गया। अब हम डिफरेंस और a की वैल्यू हम फॉर्मूले में एंटर करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब हमें 41 फर्स्ट की वैल्यू निकालनी है, इसलिए टी 41 ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है 41 माइनस वन डी। ए की वैल्यू कितनी आ गई है 3 प्लस 41 माइनस वन 40, डी की वैल्यू कितनी है 1.3 इज इक्वल टू 3 प्लस 40 मल्टीपल 1.3 करेंगे तो
52 आता है, 52 प्लस 3 इज इक्वल टू 55, यानी हमारा टर्म 41 कितना आ गया, 55। समझ में आ गया? हम आंसर राइट करेंगे, द 41 फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज 55। समझ में आ गया? अगर चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। अगर सब्सक्राइब किया है तो जो बाजू का बेल आइकन है उसे ऑल रखो ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करेगी तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच टर्म ऑफ द एपी 11852 इज -151। क्वेश्चन में हमें दिया है कौन से टर्म का एपी -151 है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। हियर ए यानी फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल टू टी वन कितना दिया है 11, टी टू 8, टी थ्री 5 एंड टी फोर 2। यहाँ हम फर्स्ट डिफरेंस फाइंड करेंगे, इसीलिए डी इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन। हमारा टी टू कितना है 8 माइनस टी वन कितना है 11, डी इज इक्वल टू -3 यानी हमारा डिफरेंस -3 आया। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। देयरफोर टी एन की वैल्यू हमें दी है -151 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 11 प्लस एन माइनस वन मल्टीपल डी की वैल्यू कितनी है -3। देयरफोर एन माइनस वन मल्टीपल -3 इज इक्वल टू -151 माइनस 11। देयरफोर एन माइनस वन मल्टीपल -3 इज इक्वल टू -162। देयरफोर एन माइनस वन इज इक्वल टू -162 डिवाइडेड बाय -3। यहाँ का -3 मल्टीपल था, यहाँ के डिवाइड हो गया। देयरफोर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर हम 3 से 116 को डिवाइड करेंगे, अगर हम 162 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 54। देयरफोर n इज इक्वल टू 54, ए जो माइनस वन है इधर आके प्लस वन हो जाएगा। देयरफोर n इज इक्वल टू 54 प्लस वन इज इक्वल टू 55। यानी हमारा नंबर्स कौन सा आया 55। टर्म 55 की एपी की वैल्यू -151 है। आंसर राइट करेंगे, द 55th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज -151। गॉट दिस? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 टू 250 आर डिविजिबल बाय 4। हमें क्वेश्चन में पूछा है 10 टू 250 के बीच में डिविजिबल बाय 4 नेचुरल नंबर कितने हैं। पहले हम राइट करेंगे सॉल्यूशन, द नंबर्स फ्रॉम 10 टू 250 व्हिच आर डिविजिबल बाय 4 आर 12, 16, 20, ., 244, 248. This is an AP with first term हमारी कितनी आ गई? A is equal to 12 and difference कितना है दोनों के बीच में 4 का, यानी D is equal to हमारा यहाँ पे 4 आ गया। Let there be n term in this AP. Then TN is equal to 248, क्योंकि from 10 to 250 are divisible by 4, natural number हमें find करना है और last का number आता है 248। पहले हम formula write करेंगे, formula हमारा है TN is equal to A plus
n माइनस वन डी इसीलिए लिया है। देयरफॉर टी एन कितना दिया है 248 इज इक्वल टू ए हमारा 12 है प्लस n माइनस वन मल्टीपल डी हमारा 4 है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू देयरफॉर n माइनस वन मल्टीपल 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12 देयरफॉर n माइनस वन मल्टीपल 4 इज इक्वल टू 236 देयरफॉर n माइनस वन इज इक्वल टू 236 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ मल्टीपल है यहाँ के डिवाइड हो गया। अगर हम 236 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आता है 59 देयरफॉर n इज इक्वल टू 59 प्लस यहाँ माइनस है यहाँ के प्लस 1 होगा इज इक्वल टू देयरफॉर n इज इक्वल टू 60 यानी हमारा n कितना गया 60। अगर हम 10 टू 250 आर डिविजिबल बाय 4 करेंगे तो हमारे नेचुरल नंबर टोटल कितने आएंगे 60। आंसर हम राइट करेंगे 60 नंबर्स फ्रॉम 10 टू 250 आर डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 इन एन एपी द 17th term is 7 more than its 10th term, find the common difference। हमें यहाँ common difference find करना है। Solution, let the first term of the AP be A and the common difference D। Formula हम write करेंगे TN is equal to A plus N minus 1 D। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू करेंगे देयरफॉर टी एन की वैल्यू 17 है इज इक्वल टू इसीलिए यहाँ पे हमने 17 राइट किया है इज इक्वल टू ए प्लस एन की वैल्यू 17 माइनस 1 डी देयरफॉर टी 17 इज इक्वल टू ए प्लस 17 माइनस 1 16 डी इक्वेशन नंबर 1 राइट करेंगे। ऐसे ही हम टी 10th निकालेंगे टी 10 इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 10 माइनस 1 डी देयरफॉर टी 10 इज इक्वल टू ए प्लस 9 डी इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फ्रॉम द गिवन कंडीशन एंड फ्रॉम 1 एंड 2 नंबर 1 कौन सा है ए साइड की राइट करेंगे खाली देयरफॉर ए प्लस 16 डी इज इक्वल टू ए प्लस 9 डी प्लस 7। यहाँ पे हमने 7 क्यों राइट किया है क्योंकि 7 मोर देन इट्स 10th टर्म 16 डी माइनस 9 डी 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 नियर लिया है इज इक्वल टू 7 प्लस ए ये इधर आएगा तो माइनस ए हो जाएगा इसीलिए प्लस ए माइनस ए कट हो जाएगा इसीलिए यहाँ पे हमने ए राइट नहीं किया है। 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 डी इज इक्वल टू 7 डी इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7 7 वन जा 7 7 वन जा 7 यानी डी इज इक्वल टू 1 यानी हमारा डिफरेंस कितना गया 1। आंसर द कॉमन डिफरेंस इज 1। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। अगर सब्सक्राइब किया है तो जो बाजू का बेल आइकन है उसे ऑल रखो ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करेगी तब आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और हाँ इम्पोर्टेंट ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।